मन की बात के माध्यम से लोकल फॉर वोकल और विश्वकर्मा योजना की पूरी चर्चा किया उन्होंने और किस तरह प्रकृति और संस्कृति को जोड़कर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम भारत के लोग कर रहे हैं उस पर चर्चा करने का काम किया। हम विशेष तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं जिन्होंने विश्वकर्मा योजना से लगभग 18 तरह की प्रकार के चीजों को कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है और पूरे भारत में विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपया की राशि उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कि कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर सीधा उनसे लेने का बैंकों से लेने का काम कर सकते हैं और जब 1 लाख रुपया वापस करेंगे तो फिर 2 लाख रुपया फिर से उनको रोजगार करने के लिए मिलेगा। एक सवाल है कि कल बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार होंगे, उनका राजनीतिक तजुर्बा ज्यादा है, उन्हें ही सब लोग उम्मीदवार बनाएंगे। अरे ये तो हम लोग कह ही रहे हैं कि बिहार के लोगों को ये नीतीश कुमार जी ने बताया था कि हम इसलिए एनडीए छोड़कर जा रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा, सपना दिखाया गया था। आज वो सपना क्या हुआ, मैं तो नीतीश बाबू से पूछूंगा कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपको गठबंधन के लोग बना रहे कि नहीं बना रहे। आपको जिस तरह आपने एनडीए को छोड़ा, बिहार के लोगों को लगा कि ये एनडीए ये महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं और बिहार अब बर्बाद हो रहा है। बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया, बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो गई, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर और भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष सभी चीजों में करना पड़ा। चाहे वो आपने देखा होगा कि जब जहरीली शराब में लोग मरे उसका आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा, अति पिछड़ा आयोग बनाने की बात थी उसमें भी नीतीश कुमार की सरकार को झुकना पड़ा और जातीय सर्वेक्षण का काम चल रहा था उसमें भी भाजपा ने समर्थन किया और आज हम बार बार कह रहे हैं कि रिपोर्ट जारी करो और नीतीश कुमार की सरकार रिपोर्ट जारी नहीं कर रही। आज उसी तरह शिक्षकों के मामले में भी नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा और जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको सीधा राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको वही वेतन मान देना पड़ेगा जो बीपीएससी से पास लोगों को मिलेगा। जिस तरह से लोकसभा सदन में बीजेपी के सांसद ने देखिए उस पर पूरी मामले संसद के अंदर आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सारी चीजें समाप्त हो, लेकिन जिस तरह हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं यह स्पष्ट झलकता है कि कोई गरीब का बेटा पिछड़ा का बेटा यदि देश का प्रधानमंत्री बना है तो किस तरह कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है।